एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो पहला वीडियो आप लोग को मिल गया होगा। हम लोग इस सेशन में किसकी बात कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग फाइनल रिवीजन की बात कर रहे हैं। फाइनल रिवीजन में एक अंक निर्धारित प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, और इसमें पहला वीडियो अध्याय 3 का आप लोग को मिल चुका होगा, आव्यू का। आई होप आपसे वो 7 क्वेश्चन बने होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अध्याय 7 समाकलन को खत्म करेंगे एक अंक निर्धारित प्रश्न के बारे में। उसके बाद नया वीडियो आएगा। अगर आप लोग का प्यार मिलता रहा तो मैं 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, और फिक्र नहीं करो, करवाऊंगा। उसके बाद अध्याय 9 करेंगे एक अंक वाले, और अध्याय 10 करेंगे एक अंक वाले। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सर ये तो आप करवा चुके, तो ऑब्वियसली सर ये करने वाले हैं। तो चलो फटाफट करते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए टाइम नहीं बचा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता रहा हूँ, अध्याय 7 समाकलन का। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है ही नहीं। क्यों क्वेश्चन नंबर 1 है ही नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 1 को करवाने से पहले कुछ आप लोगों ने सूत्र बताने वाला हूँ। देख रहे हो प्यार से सूत्र, तो एकदम बेहतरीन ट्रिक वाला, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, याद रखना है, ध्यान रखना है और याद रखना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं छुपा के रखूंगा, बहुत कीमती चीज़ है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखो, आ जाओ ध्यान से देखो। तो आप लोगों ने कुछ सूत्र पता होना चाहिए, कुछ सूत्र पता होना चाहिए मैं बोला। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखते रहना, बस देखते बस रहना। आप लोगों लाइफ में कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ देखना है। इधर आ जाओ, मैं बोला इसका जोड़ीदार ये है, ठीक है, मैं बोला इसका जोड़ीदार ये है, मैं बोल रहा हूँ इसका जोड़ीदार ये है। ये देखो ये कहाँ भाग रहे हैं, ऐसे भागते नहीं रहे पगले। और इसका जोड़ीदार ये है, बस ध्यान से देखो क्या बोला मैं। साइन का जोड़ीदार कौन है, कॉसेक। अभी मैं उल्टा की बात कर रहा हूँ, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन किसके पास दिया, कॉसेक का। उल्टा की बात कर रहा हूँ तो 1/2 लगेगा, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 कॉसेक एक्स, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहें, कॉस एक्स, कॉस एक्स का बता सकते हो, कॉस एक्स का क्या होगा, किसके पास गया, सेक के पास, 1/1 sec x। बस ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। टेन का क्या, किसके पास गया भाई, कॉट के पास, तो टेन का क्या होगा, 1/cot। अगर मैं पूछ दिया टेन का उल्टा क्या होगा, तो 1/cot, फटाक से बोलने का। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का उल्टा क्या होगा, कॉट किसके पास जा रहा है, टेन के पास, 1/tan, 1/ ये टेन एक्स, टेन एक्स, ठीक है। एक्स की जगह थीटा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। सेक किसके पास जा रहा है, सेक किसके पास जा रहा है, कॉस के पास, तो ये 1/cos x, 1/cos x। और ये अभी ना आगे वाले क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में ये आने वाला है, तो ध्यान से देख लेना। कॉसेक किसके पास गया, साइन के पास गया, कॉसेक किसके पास गया, साइन के पास गया, ये तो 1/sin x। तो अगर मैं बोलूंगा उल्टा वाला फॉर्मूला याद करो, उल्टा वाला फॉर्मूला याद करो, तो आप लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोग को याद करना है इसी सिक्वेंस में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या बोला मैं, साइन, ये है साइन कॉस, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, याद हो गया, याद हो गया। अब उल्टा वाले के लिए आप लोगों को क्या चिन्ह याद रखना है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, करो मेरे साथ, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखो डांस भी सिखा रहा हूँ धीरे धीरे मैं, तो ये वाला आप लोगों को ये याद रखना है, कोई रटेगा नहीं, सिर्फ इस रंगोली को याद करके जाना है, हम लोग को रंगोली को याद करके जाना है। अगर मैं बोल दिया कॉस का क्या, कॉस का उल्टा क्या होता है, तो 2 मिनट रुक जाना, ये बना लेना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और ये रंगोली पार लेना। तो आप बोलोगे सर कॉस का, देखो सर कॉस किसके पास गया, सेक के पास, सर कॉस का ना 1/sec होगा, किसी का भी पूछ दो, ये बना लेना पेपर में पहले, ये बना लेना पेपर में पहले, ठीक है। और यहाँ पे लिखना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सर कॉसेक का क्या होता है, रुक जाओ सर, कॉसेक गया साइन के पास, सर 1/sin, 1/sin, बस ये याद रखना मेरे को, ये याद रखना। और सिक्वेंस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ध्यान से देखना। तो ये पहले नंबर का फॉर्मूला, ये आप लोगों को ध्यान रहने, ठीक है। दूसरे नंबर में देखो, ध्यान से देखो, दूसरे नंबर में, दूसरे नंबर देखो, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, उससे बड़ा ब्रैकेट, जो बच गया वो, जो बच गया वो, ठीक है। क्या किया मैं, छोटा ब्रैकेट और इसको ऊपर से नीचे करा, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट नीचे से ऊपर किया, और जो बच गया वो सीधे से उल्टा, जो बच गया वो, ठीक है, याद हो गया। छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मतलब छोटा ब्रैकेट उससे बड़ा ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट ही बोलते हैं, तो ठीक है, बड़ा ब्रैकेट उससे बड़ा ब्रैकेट जो बच गया वो, बड़ा ब्रैकेट उससे बड़ा ब्रैकेट जो बच गया वो। अब देखो ध्यान से इसको कैसे याद करना है, ये इधर है एरो, ये इधर है एरो, ये इस तरफ है ना, तो साइन जा रहा है कॉस के पास, तो देखो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स, साइन ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, जब मैं बोलूंगा इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला बोलो तो ये याद रखना, ठीक है, इसका काम हो गया। अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब कॉसेक कॉट के पास जा रहा है, ऐसे हम लोग मान के चलेंगे, ये बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्या कौन किसके पास जा रहा है, कॉसेक जा रहा है कॉट के पास, तो यहां पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस लेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, एक्स है ना, यहां पे मैं थीटा लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, ये हटा दो, कोई बात नहीं, एक्स है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, ऊपर से नीचे गया तो मैं प्लस लिया, नीचे से ऊपर गया तो मैं माइनस लिया, अब राइट से लेफ्ट आ रहा है तो भी मैं माइनस लूंगा, कौन जा रहा है भाई, सेक जा रहा है, देखो सेक है वो टेन की तरफ जा रहा है, एरो ऐसा है ना, एरो ऐसा लिया मैं, एरो ऐसा लिया ना मैं, एरो ऐसा लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना साइन जा रहा है कि कॉस जा रहा है, एरो ऐसा लिया, तो सेक जा रहा है टेन के पास, सेक जा रहा है टेन के पास, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहा है तो मैं माइनस किसके पास जा रहा है, टेन के पास, तो ये टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना है, बड़ा ब्रैकेट, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं अपन, दूसरे कलर से लिख देते हैं, देखो बस ध्यान से देखना, बड़ा ब्रैकेट, उससे बड़ा ब्रैकेट, जो बच गया वो, ये धनात्मक साइन, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर तो माइनस, ये राइट से लेफ्ट तो माइनस, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक कोड वर्ड हो गया, सबका कोड वर्ड होता है, डॉक्टर लोग का एक कोड वर्ड होता है ना, क्या 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 लिख के देते हैं और वो सिर्फ मेडिकल दुकान वाले ही समझ पाते हैं, तो ये हमारा कोड वर्ड हो गया। तो आप लोग को दो फॉर्मूला मैं याद कराया, जिसको रट के नहीं जाना है, जब मैं उल्टा वाली बात करूंगा तो ये वाला आपको याद रखना है, अब जब मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला की मैं बात करूंगा जिसमें बराबर एक होता है, उसमें आप लोग को क्या याद रखना है, बड़ा ब्रैकेट, उससे बड़ा ब्रैकेट, जो बच गया वो, और ये दोनों अभी काम आने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को याद हो गया, याद हो गया क्या, चलो अब ध्यान से देखो, अब इसमें बात करता हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला, आप लोग को कुछ फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। तो ये देखना, ये डी का मतलब ना, यहाँ पे डी का मतलब बार बार डी बाई डी एक्स नहीं लिखा हूँ, डी बाई डी एक्स है ना, ये डी का मतलब यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी की जगह आप लोग डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, फटाफट बोलो तो, कॉस एक्स, ओके, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, क्लियर है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये आप लोग याद करो, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, देखो शुरू के दो में सिंगल है, कोई स्क्वायर वाला नहीं है, घात एक है, और उसके बाद वाले दो में देखो घात दो है, घात दो है, और उसके बाद वाले में दो दो फंक्शन है, दो दो फंक्शन है, ठीक है, ऊपर वाले में एक फंक्शन घात एक, उसके बाद के दो वाले में एक ही फंक्शन घात दो, और उसके बाद में दो फंक्शन घात एक, तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसको आप लोग को याद करना है। अब डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, ध्यान से देखो, ये याद हो गया ना, तो ये आप लोग को याद हो जाएगा, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन उल्टा ना, जब जब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स, और प्लस सी लगाना ना, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, प्लस सी क्यों लगाते हैं, मैं पहले अपने पेड यूजर में पूरा डिटेल बताया हूँ, अभी डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो साइन एक्स का, यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो इस माइनस को उस तरफ भेजो, माइनस को उस तरफ भेजो तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आप बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, बेहतरीन, टेन एक्स प्लस सी, ओके, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्लियर है, ये बहुत जरूरी याद करना। अब सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। अब ये आप लोग बताओ, ये आप लोग बताओ, देखो कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस को उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, ये डी को मत लिखना ना भाई, ये डी को मत लिखना, माइनस कॉसेक कॉसेक एक्स प्लस सी,
तो देखो डिफरेंशिएशन का अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। बोलो भाई बोलो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? गड़बड़ तो नहीं हो गया? गड़बड़ तो नहीं हो गया? कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? तो बस ये आप लोग याद कर लो यार, ये तो उपहार में मिल गया। फिर ये तो उपहार में मिल गया, मैं बोला ये तो उपहार में मिल गया। तो ऐसे याद करते हैं, ऐसे पढ़ाई करते हैं। तो जब पढ़ाई करने आप लोग बैठते हो ना यार, जब पढ़ाई करने आप लोग बैठते हो ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये फाइनल कंक्लूजन होता है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कौन किसका अपोजिट है, तो अगल बगल लिख लिया करो, अगल बगल लिख लिया करो। ये देखो ये ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, पर ये यूज होता है डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। तो मैं आप लोगों को ये पहले करवा दिया, है ना, रटना नहीं, ये सिंबल याद रखना, इसको रटना रटना तो नहीं, प्रैक्टिस से आप लोग को याद हो जाएगा। और ये याद हो गया ना तो इसका जस्ट अपोजिट ये होता है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या बात? अब ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एकदम ईजी है, मैं याद करा रहा हूँ। डी बाई डी एक्स, है ना, डी का मतलब डी बाई डी एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे देखो साइन एक्स है, घात में कुछ नहीं है, मतलब धन एक है। अब यहाँ पे ऋण एक है घात, तो क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसको सेम उतार दो, बस माइनस लगा दो, बस माइनस लगा दो, वन अपॉन सॉरी माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर इसका क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स, बस माइनस लगा दो इसमें, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है सर, सेक स्क्वायर सॉरी सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है क्या? तो सर इसका क्या होगा, कुछ नहीं यार इसमें माइनस लगा दो, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये डिफरेंशिएशन याद हो गया। ठीक है, क्या है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का याद हो जाएगा, माइनस लगा दो, मतलब आपको ये याद करना है। फिर टेन का क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये याद हो गया। फिर क्या होगा, इसका याद कर लो, वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, बाकी तो इसमें फिर माइनस लगाना है ना, माइनस लगाना है। क्लियर है? तो ये याद हो गया। अब आप लोग का होमवर्क क्या है, अब आप लोग का होमवर्क क्या है, मेरे को आप लोग सबका ये लिखेंगे बगल में, ये लिखेंगे बगल में, तो मेरे को बताओ अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन क्या, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये होगा सर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी आएगा क्वेश्चन में करूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस को उधर भेज दो, माइनस को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो माइनस को उधर भेज दिया, माइनस को अगर उधर भेज दूँ, ठीक है, तो अभी ना इंटीग्रेशन में रुक जाओ, सबर करो, इंटीग्रेशन में आप लोग सिर्फ इसका देखना, ठीक है, इसका रहन देना, इसका देखना, तो ये क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, होमवर्क देने वाला था ना मैं, चलो मैं ही कर देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसका याद करना, इसका तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस। इतना आप लोगों को फॉर्मूला याद है क्या, इतना आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है। अब मैं क्वेश्चन में कूदता हूँ, ठीक। तो देखो पहला प्रश्न आप लोगों को दे दिया। देखो अगर मैं चाहता ना तो डायरेक्ट यहाँ से शुरू कराता, यहाँ से समझो, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ऐसा मत करना। अगर मैं आप लोगों को ये नहीं बताता तो क्वेश्चन छू नहीं पाते यार, क्वेश्चन छू नहीं पाते, मैं तो डायरेक्ट यहाँ से करवा देता। पर क्या मतलब, तो आप लोग ना फॉर्मूला को ना सामने रखे रहे ना, अब यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ध्यान से देखो। अब इंटीग्रेशन है, दो फलन दिख रहा है, इंटीग्रेशन है, दो फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन तो ये दिख रहा है, दूसरा फंक्शन तो ये दिख रहा है। जब कभी दो फंक्शन आए तो प्रतिस्थापन विधि ट्राई करके देखना, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो सभी x के फलन दिख रहे हैं, x के फलन, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x के फलन में कोई दूसरा फलन को प्रतिस्थापित करेंगे, कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा फलन देखो जिसका अवकलन वहाँ मौजूद हो, ध्यान से देखना, इसमें देखो
ऐसा कौन सा फलन है जिसका डिफरेंशिएशन यहां मौजूद है, तो मैं बताऊं उसको ना टी मान लो। तो देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, मतलब मैं टेन एक्स है ना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन एक्स को मैं क्या मान लिया, टी मान लिया। अब दोनों पक्षों में टी का मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो टेन एक्स का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये कैसे आए ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो ध्यान से देखो अब क्या हो गया, इसको मैं आई मान लेता हूं, ध्यान से देखना आप, इस e की पावर टेन एक्स है, तो टेन एक्स को मैंने क्या माना, टी माना, टेन एक्स को टी माना, तो ये e को ऐसे लिख देता हूं मैं, टेन एक्स को माना हूं टी, ये देखो मैं टी लिख दिया। अब ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी, तो ये लिख दिया मैं डी टी। तो आप लोग ध्यान से देखो, जो मेरा फलन एक्स में दिया था उसको मैं टी में प्रतिस्थापित कर दिया, ये ई टेन एक्स को मैं माना टी, तो टी लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई, डी टी। अब ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर टी होता है, तो यहाँ पे मैं लिखा ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष ई टू द पावर टी होगा प्लस सी। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन x का फलन में दिया है तो हमको t के फलन में आंसर नहीं छोड़ना है, हमको भी x के फलन में छोड़ना है, तो आंसर क्या होगा, आंसर आंसर होगा e की पावर t है तो t की वैल्यू रख दो, तो क्या है वैल्यू t की, tan x, तो ये हो जाएगा tan x प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर, आंसर लिख चुका हूँ ये। इसके बारे में बेहतरीन तरीके से मैं जो आपको 59 वीडियो दिया हूँ ना उसमें मैं पूरा बताया हूँ, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है ना तो मैं फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये कैसा हुआ ये जानना है और सूत्र जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, गणित में समाकलन होगा उसको ध्यान से देखिएगा, आपसे बन जाएगा। अब देखो ये है ना, अब इसका मान ज्ञात करना है, तो आप लोग फॉर्मूला ध्यान से देखना, फॉर्मूला जो इससे मैं पहले लिखाया हूँ ना वो आप लोग को काम आएगा, आई फॉर इंटीग्रेशन आई नाम दे दिया मैं, क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यू बाई वी का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है इंटीग्रेशन में, पहली बात, दूसरी बात दो दो फंक्शन दिया हुआ है तो किसी का डिफरेंशिएशन मौजूद है क्या, किसी का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा मालूम है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, पर कॉस एक्स थोड़ा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो प्रतिस्थापन से जाते तो नहीं बनेगा, तो ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं, ये जो है कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के साथ बटे में है तो इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये माइनस का माइनस, ये हो गया साइन एक्स, साइन एक्स ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, मैं सेपरेट कर लिया, ठीक, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, आप लोग ये वाला ऐसे वाला जाओ, ऐसे वाले में वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, लेकिन यहाँ पे वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, अगर सिर्फ वन अपॉन कॉस एक्स होता तो सेक एक्स हो जाता, अगर वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो ये क्या है, साइन और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब दो दो बार कॉस है, दो दो बार कॉस है, यहाँ पे दो दो बार कॉस है, तो एक कॉस को ले रहा हूँ तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस टेन एक्स होता है, और फिर क्या बचाएगा, एक कॉस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, है ना, ध्यान से देखना। अब एक साथ हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अभी ऐसे सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, दो मिनट दोनों का एक साथ करूंगा, तो ध्यान से देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स, अब क्या बचा, एक बटे कॉस अभी भी बचा है, साइन यूज हो गया और ये कॉस यूज हो गया, तो अभी यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक बटा कॉस बचा है, एक बटा कॉस क्या होता है सेक होता है, ऐसे वाला फॉर्मूला में जाओ, एक बटा कॉस क्या होता है सेक, तो ये सेक एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, चलो सॉल्व करते हैं, तो पीछे पन्ना पलटाओ, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखाया हूँ, टेन एक्स, ये टेन एक्स माइनस
ये sec x tan x का फॉर्मूला क्या लिखाया हूँ, पीछे देखो sec x tan x का फॉर्मूला sec x होता है, sec x tan x का फॉर्मूला sec x tan x का, ये देखो sec x tan x का फॉर्मूला होता है sec x, है ना, sec x tan x का फॉर्मूला क्या होता है sec x, ये हो गया sec x plus c, क्लियर है, है ना। ये देखो sec square x का फॉर्मूला लिखा दिया हूँ, इसीलिए पहले देखो sec square x का फॉर्मूला tan x, sec x tan x का फॉर्मूला sec x, पहले मैं लिखा दिया हूँ इंटीग्रेशन में, तो ये ऐसे करके बनता है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई, आराम से प्रैक्टिस करना, घबराना मत, बहुत दिन बाकी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन 3, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्व देखो, सॉल्व, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखो, पूरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में ले रहा हूँ, हाँ, तो देखो ये क्या दिया है, आई आई ओके आई ई की पावर एक्स क्या दिया हुआ है, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखो ये ना गुणधर्म प्रॉपर्टी से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, एक मैं आप लोगों को सूत्र बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, e की पावर x ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस इस एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन डैश, इस डैश का मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है ना, अगर ऐसा दिया हुआ है कोई, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है e की पावर x ब्रैकेट में कोई फंक्शन दिया हुआ है प्लस इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x f ऑफ x प्लस c, e की पावर x वैसे लिख देना और जो यहाँ पे है f ऑफ x उसको लिख देना। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको, तो ये e की पावर x हो गया, ठीक है, ध्यान से देखते रहो, ये e की पावर x है, ये f ऑफ x है, ठीक है, और ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, देखते होता है कि नहीं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, अब आपको डिफरेंशिएशन तो मालूम है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, जब आपका डिफरेंशिएशन करोगे, तो चलो करके दिखा देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन किसका, वन अपॉन एक्स का, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये एक्स को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन का सूत्र होता है। तो एक्स की पावर एन, तो एन क्या है माइनस वन, तो एन सामने लग जाता है, हमारे पास n क्या है माइनस वन, तो ये माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, n क्या है हमारे पास घात में माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, तो ये माइनस का माइनस और ये माइनस वन माइनस टू, ये अब ये x की घात माइनस टू है, तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो x की घात टू हो जाएगा। तो f ऑफ x ये हो गया, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिला, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देख रहे हो, ये इस फॉर्म में है e की पावर x, f ऑफ x, f ऑफ x और उसका डिफ्रेंशिएशन, और उसका डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे मैं प्लस लगा सकता हूँ क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है सूत्र में, e की पावर x f ऑफ x, e की पावर x f ऑफ x क्या है, ये है f ऑफ x 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स प्लस c, तो ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, ध्यान से देखना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हल, हल में लिखा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिया, दो नंबर के लिए आता है, हरा डरना नहीं, e की पावर माइनस लॉग बेस ई एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना। तो देखो ये क्या होगा, आई आई e की पावर माइनस लॉग बेस ई एक्स डी एक्स, है ना। अब एक फॉर्मूला होता है लॉग की प्रॉपर्टी का, याद रखना, लॉग बेस ई एक्स की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन कर लेता हूँ, चलो ए की पावर एन कर लेते हैं यहाँ पे, या x की पावर n भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो x की घात होती है ना उसको मैं सामने लिख लेता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस घात को सामने ले आया, तो n log बेस e x, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो हम लोग देखो, हम लोग को इस फॉर्म में दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस कुछ नहीं है तो माइनस वन लॉग बेस ई एक्स, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, e की पावर
लॉग बेस ई एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये किस फॉर्म में दिया था, ये इस फॉर्म में दिया था एन लॉग बेस ई एक्स, एन की वैल्यू क्या है माइनस वन, लॉग बेस ई एक्स इस फॉर्म में दिया है, इसको मैं ऐसे लिखा तो जो सामने वाला था ना, ये जो सामने वाला जो एन था ना उसको मैं एक्स की घात में लिख लिया, एक्स की घात में लिख लिया, इस फॉर्म से इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट किया, तो जो सामने था ना माइनस वन उसको मैं एक्स की घात में लिख लिया, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब क्या होता है, क्यों ऐसे किया, अब ना ई से लॉग ई कैंसल हो जाता है, ई की घात लॉग बेस ई होगा तो ई से लॉग ई कैंसल हो जाता है, तो क्या बचा एक्स की पावर, एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स। क्या मैं एक्स की पावर माइनस वन को ऐसा लिख सकता हूं, एक्स की पावर माइनस वन को वन बाई एक्स लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स का होता है लॉग एक्स, लॉग बेस ई एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है भाई इंटीग्रेशन, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, और डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है। ध्यान से देखना, लॉग एक्स का, लॉग बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, तो ऑब्वियसली वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फिर वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। क्लियर है भाई, चलो तो ये क्वेश्चन देखो, अब प्रतिस्थापन से, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, प्रतिस्थापन से मैं बना रहा हूँ इसको, आपको देखना है दो फलन आया, ये एक फलन है, दो फलन है ना, ये tan इनवर्स x है ना, ये tan इनवर्स x है, देखो कैसा है ये, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर जब कभी भी दो फंक्शन आपको दिखता है, देखो ये एक एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो प्रतिस्थापन को सोचना, तो सबसे पहले देखना किसी का डिफरेंशिएशन है क्या, तो हाँ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स पीछे पढ़ना पलटाओ इसको, मैं t माना, इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब मैं प्रतिस्थापित कर दिया इसको, देखो ये e का e, टेन इनवर्स x को मैं क्या माना, टेन इनवर्स x को मैं माना t, t, अब यहाँ पे क्या बचा, इसका काम तो हो गया, ये इसका काम तो हो गया, ये इसका काम तो हो गया, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक होगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक होगा, या ऐसे लिख लो डी एक्स बटे इतना, तो ध्यान से देखो डी एक्स बटे इतना इसकी वैल्यू क्या आई, डी टी, इसकी वैल्यू क्या आई, डी टी, अरे ध्यान से देखो ना, ई टेन इनवर्स एक्स टी लिख दिया तो इसका काम हो गया, अब क्या बचा डी एक्स बटा इतना, तो देखो ना डी एक्स बटा इतना की वैल्यू क्या आई, डी टी, तो ई की पावर टी क्या होता है, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है प्लस सी, अब टी में हम लोग को नहीं देना है आंसर क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में पूछा है, तो ई टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये मेरा हो गया आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है फिर ये खत्म। ये देखो तब ध्यान देख लो, ध्यान से सोचो अपने बारे में, हाँ कि आप लोग कितने पानी में हो, हाँ ये आप लोगों की कितनी तैयारी हुई है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है या अभी एक नंबर के लिए चल रहे, तो अभी डरना नहीं क्योंकि अभी बहुत दिन बाकी है यार एग्जाम के लिए, आज से पढ़ना चालू करो। हाँ तो इसको देखो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिमिट पुट करना मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये सब क्वेश्चन ना पूरा मैं करवा चुका हूँ, जो आप लोग इससे पहले प्लेलिस्ट बना होगा देखेगा 59 वीडियो है उसमें पूरा बता चुका हूँ। देखो ये क्या दिया हुआ है, लिमिट पुट करना सिखाएंगे, जो नीचे रहता है उसको लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, ये है साइन 2x dx। अब ध्यान से देखो साइन x का मेरे को इंटीग्रेशन मालूम है, किसका मालूम है, साइन x का इंटीग्रेशन है, क्या मालूम है बोलो साइन x का क्या होता है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। देखो साइन x का मेरे को फॉर्मूला मालूम है, साइन x का इंटीग्रेशन मेरे को मालूम है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस कॉस x, लेकिन ध्यान से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो क्या है 2x है, 2x है यहाँ पे, 2x है, साइन x का इंटीग्रेशन मालूम है माइनस कॉस x, लेकिन साइन 2x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, साइन 2x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, ये बक्से में मैं फिट किया, मैं बक्से में फिट किया ये ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन x अगर होता तो माइनस कॉस x मैं लिख देता इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन 2x,
साइन 2x है, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? तो एक एक समय के लिए इसको x मान लो, एक समय के लिए इसको x मान लो, तो क्या हो जाएगा साइन 2x का माइनस, इसको x मान लिया ना, तो साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, लेकिन x बस मत लिखना, जिसको x माने उसको लिखना, किसको x माने 2x, तो सर ये 2x लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो, अब x तो था नहीं, हम लोग तो x माने हैं, तो क्या करेंगे उधारी चुकाने के लिए बटे करेंगे, बटे करेंगे, और जो x का गुणांक है उसको लिख देंगे, x का गुणांक है 2। अगर प्यार से साइन x होता तो माइनस कॉस x बस लिखते, लेकिन x बस नहीं है, x के साथ कुछ दूसरा है, मतलब 2x है, तो मैं क्या किया, इस 2x को x मान लिया, तो साइन x का होता है माइनस कॉस x, x की जगह उसको लिखूंगा जिसको x माना हूं, ये लिख दिया। अब बटे करूंगा, बटे करूंगा, बटे करूंगा, बटे में वो लिखूंगा जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है 2। अब इस लिमिट को पुट करूंगा, अब इस लिमिट को पुट करूंगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये माइनस एक बटे दो को अगर मैं बाहर कर दूं, माइनस एक बटे दो को अगर मैं बाहर कर दूं, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस 2x, कॉस 2x लोअर लिमिट अपर लिमिट, क्योंकि x के सापेक्ष है, तो जहां जहां पे भी x है वहां पे मैं अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट रखूंगा। देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, ये माइनस एक बटा दो कॉस, कॉस 2x की जगह पहले अपर लिमिट, तो ये पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस कॉस 2 इंटू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये 0। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, बस आ गया आंसर, और इसके बाद हमारा ये अध्याय तो खत्म हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो cos π बाई 2, cos π बाई 2 मतलब 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, माइनस 2 गुणा 0, 0 होता है, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे होगे, तो माइनस 1 बटे 2, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बटा 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 बटे 2। तो ठीक है बच्चों, ये अध्याय खत्म हुआ, अध्याय 1 बोल रहा हूँ, अध्याय 7 समाकलन का 1 नंबर का क्वेश्चन, 6 प्रश्न लिया, 1 अंक निर्धारित क्वेश्चन खत्म होता है आपको। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।